ऑड लेटर ऑड नंबर पार्ट 3 अभी स्टार्ट हो रहा है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, मैंने उसमें क्या है, मैंने ऑड लेटर ऑड नंबर रिलेटेड वर्ड मैंने बना दिए। इसमें कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें ऑड लेटर ऑड नंबर में कुछ नई वीडियो बनाए, जो कि क्वेश्चन पूरे हो नहीं पा रहे थे। इसके लिए मैंने सोचा कि अभी तक मैंने 12 क्वेश्चन कराया हूँ, जिसमें से मैं सोचा कि इसमें नियर अबाउट 20 क्वेश्चन करा दूँ। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन आने वाला एसएससी जेईई में नहीं है, 100% श्योर है। आप यही 20 क्वेश्चन से पढ़ लीजिए, 20 क्वेश्चन श्योर है कि इसी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ आपके एसएससी एग्जाम में जो आपने देखें एक नज़र में आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। जैसा कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसमें बोला है कि ऑड 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 लेटर बताना है। इसमें क्या बताना है, इसमें ऑड लेटर ऑड लेटर और ऑड ऑड नंबर। इसमें अपने को ये नहीं समझना है कि मतलब ऑड लेटर या ऑड नंबर कि मतलब होता क्या है। ऑड लेटर बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अपन पढ़ते आए हैं बचपन से कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब ऑड है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब इवन है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें ऑड और इवन का अगर मसला मैं बताऊँ तुमको तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर अपन ये कोई चार ऑप्शन दिए होते हैं, कोई भी क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए होते हैं, अगर इसमें मैं बोलूँ कि अगर इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का अगर किसी तीन का डिफरेंस बराबर हो और एक का अलग हो तो मैं बोल दूंगा कि ये ऑड है। समझ गए? जैसे कि अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 अभी सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। दिया है, बोला है कि इसमें बोला है कि ऑड ऑड लेटर बताना है। इसमें सबसे पहले अगर ऑड लेटर की अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे पहले अपने को अल्फाबेट जरूरी है। अल्फाबेट लिख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था मैंने अल्फाबेट लिखी है ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक मैंने लिखा। इसमें बोल रहा है कि ओ यू वाई सी ई ओ आई ए, इसमें बोल रहा है कि ऑड लेटर कौन सा है। तो अभी तक हम लोग यही करते आए हैं कि इसके इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। ओ ओ और यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, ओ और यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है, 6। इसी तरीके से Y और C के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, 2, 3, 4 कितना है, 4। I और A के डिफरेंस, I और A के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या आ रहा है, ये J का क्या है, I और A के बीच का डिफरेंस कितना है, -8 कितना आ रहा है, I और A के बीच का डिफरेंस माइनस आ रहा है। इसी तरीके से D का देख लेते हैं, E और O के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, 2, 3, 4 E और O के बीच का डिफरेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से। तो इससे क्या लग रहा है, इसमें अपन ऑड और इवन की पहचान कर सकते हैं क्या, यस, बहुत आसानी से। लेकिन क्या लग रहा है कि ये अगर इसकी बात मैं बोलूं तो यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। लेकिन ये क्या, ये सही रहेगा, डी ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है 11 जो क्या है, प्राइम नंबर है, यानी ये ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा। दूसरा तरीका लगाएंगे, दूसरा तरीका क्या रहेगा, ये तो मैं पिछला बताया था जिससे अपन क्वेश्चन करते आए थे। तो बेसिकली मैं बताऊं इवन और ऑड की पहचान करने के लिए दूसरा तरीका, मैं बोलूं कि अपन पढ़े हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल का नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल, वॉवेल का नाम 26 लेटर होते हैं पूरे अल्फाबेट में, yes. जिसमें से कितने वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या हमारे होते हैं, ये हमारे वॉवेल हैं। बाकी जो कॉन्स्टेंट होते हैं 21 कॉन्स्टेंट कितने होते हैं, 21 बाकी इसको छोड़ के जितने भी है सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें आप देखिए ये दोनों क्या है, ओ यू की अगर मैं बात बोलूं कि ओ यू क्या है, वॉवेल है, ओ आई सी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, क्या है ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है। मैं बोलूं आई ए
क्या है? वोवेल है। आई ए वोवेल है। फिर मैं बोलू ई ओ, ई ओ ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है। यहां अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो ये तीनों क्या लग रहे हैं आपको? सेम वोवेल, ये तीनों वोवेल लग रहे हैं। बाकी जो वाइस ही हमारा है ये क्या लग रहा है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है। ये तो उसी तरीके से हुआ जैसे कोई बोल दे कि अगर चार लोगों कहीं एक कोई एक लाइन है इसमें चार लोग बैठे हुए हैं, क्या है कोई चार चीजें रख दी जाए, ऐसे ही बोल दे यहाँ भी आम रखा हुआ है, यहाँ भी आम रखा हुआ है, यहाँ भी, यहाँ इमली रखी हुई है, यहाँ भी आम रखा हुआ, कोई चार लोग है 1 2 3 4 बोल दे यहाँ आम, यहाँ आम, यहाँ आम, यहाँ इमली, क्या रखी है? इमली। तो बोलेंगे इसमें और कौन है? जाहिर सी बात है बोलेंगे इमली है। और क्यों? क्योंकि ये तीनों तो सेम लग रहे हैं, बाकी यही है जो सबसे हटके है। तो सेम इसी तरीके से मैं बताऊं कि यहां अगर मैं बात करूं तो यहां ये क्या? ये भी वोवेल, ये भी वोवेल, ये भी वोवेल। वाई सी को छोड़कर बाकी सब क्या है? वोवेल है। इससे क्या है अपने को आसानी से मालूम चलेगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है वाई सी है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? बोला कि क्यूसाइन दिया है, क्या दिया? ऑप्शन ए दिया है, क्यूसाइन दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है बिजनेस, ऑप्शन नंबर सी दिया है डिसइंटरेस्टेड, ऑप्शन नंबर फोर दिया है नॉइजनेस। बोल रहा है कि इसमें जो है ऑड लेटर बताना है, ऑड वर्ड क्या बताना है इसमें? ऑड वर्ड, और ऑड वर्ड बताना है। कैसे आप लोग बताएंगे इसमें कि ऑड वर्ड कौन सा है? जैसे पिछला क्वेश्चन अपन लोग करते हैं उसमें क्या था कि मैं इनके इनके बीच का डिफरेंस निकाल लाता या फिर इसके इसके निकाल लाता। इसमें अगर मैं बोलूं ऑड और इवन की अगर पहचान कर ले के अपना ये जाना चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि अगर इसमें ऑड और इवन की अगर पहचान करूं तो यहां यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, यहां आए है, यहां वो है। इससे क्या लग रहा है कि अगर इसमें ऑड अगर इन सबके अगर डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो यहां भी यू है, यहां भी यू है, यानी अगर कोई एक ऑप्शन ही सही होगा लेकिन दोनों में ही यू क्या रहा है? कॉमन आ रहा है, यू कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए आपको कि कोई वर्ड दे दिया जाए बोले इसमें ऑड और इवन, सबसे पहले ट्रिक मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर लेना, सबसे पहले नंबरिंग कर लेना। अगर नंबरिंग से अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई और दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन नंबरिंग करें चेक करने के लिए। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कितने नंबर है, कितने लेटर है? 7 लेटर है। इसमें कितने 2 2 4 2 6 2 8 इसमें कितने 8 लेटर है। इसमें कितने 2 2 4 6 8 10 12 13 नियर अबाउट 13 है, नियर अबाउट 2 4 6 8 12 13 14 है। इसमें कितने 2 2 4 6 8 1 9 इसमें एक देख रहा हूं मैं कि चार ऑप्शन है। और अगर और इवन की अगर पहचान की बात करो तो इसमें अपन नहीं बता सकते, क्यों? इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 14 है। तो इसमें सब क्या है, सब लेटर क्या है, अलग अलग नंबर है। तो अब सबसे पहला तरीका अपने को यही आजमाना है, एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, खैर यहाँ तो समझाने के लिए मैं बताया था। फिर दूसरा तरीका क्या है, फिर इसमें अपन देखो कि इसके जो लास्ट वर्ड है क्या इसका लास्ट वर्ड इसमें कहीं मैच हो रहा है क्या, जैसे यहाँ ई है यहाँ भी लास्ट में ई होता, यहाँ भी ई होता, यहाँ भी यहाँ ई नहीं होता, इस टाइप के देख चेक करने हैं। फिर तीसरा तरीका क्या है, अब इसमें यह देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जो रिपीटेड है, कौन सा ऐसा लेटर है जो रिपीटेड है, कौन सा ऐसा लेटर है जो रिपीटेड है। जैसे यहां मैं बोलूं कि यहां कितने आए हैं, इसमें दो लेटर है जो क्या है रिपीटेड है, आए है, टू टाइम्स आए इसमें है। इसमें कितने टाइम्स आए हैं? वन, इसमें वन टाइम है लेटर बस। इसमें कितना है, कितना टाइम आए है? टू, टू टाइम्स। इसमें कितने टाइम्स आए है? टू टाइम्स। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें आप और की पहचान करके बता दे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं बिजनेस कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सही है, ये ऑड है। क्यों? क्योंकि इसमें टू आए हैं, इसमें वन आए हैं, इसमें भी टू आए, इसमें भी, इन तीनों में क्या कॉमन है? टू आए, टू आए, टू आए, सिवाय इसके। तो मैं बोलूं कि अगर ऑड
ऑड लेटर ऑड वर्ड कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा बिजनेस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कितना है 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, अगर मान लिया जाए, बोल रहा है कि अगर मान लिया जाए 45@32, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तकरीबन 2 बार रिपीट हुआ ये, कितना दिया है, बोल रहा है कि 45@32=14 और दिया दूसरा क्या दिया है 76@22=17, तो बोल रहा है कि 55@10 कितना होगा, ये इसका क्वेश्चन है। और ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में दिया है 8, एक में दिया है 15, एक में दिया है 11, एक में दिया है 55। अब इसमें अपने को देख के बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात बोलूं कि इसका इसका डिफरेंसेस निकाल लें, क्या निकाल लें, चूंकि हम अपन इसमें क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में अपन यही करते थे कि 45 को 32 से डिवाइड कर देते थे, तो जो कुछ था वो आ रहा था। लेकिन अगर इसमें मैं बोलूं कि अगर 45 को 32 से डिवाइड किया जाए तो क्या लग रहा है कि आपको 14 आएगा? नहीं, कभी नहीं। 76 को अगर मैं 22 से डिवाइड कर दूं, 76 को अगर मैं 22 से डिवाइड कर दूं तो क्या लग रहा है कि 17 आएगा? कभी नहीं आएगा। नियर अबाउट 45 आएगा, 3.45 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये अपना तरीका ये जो था नहीं। एसएससी में एक्चुअली मैं बोलूं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में अपने को कोई एक लॉजिक नहीं चल रही होती है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो यही लॉजिक होगी। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग लॉजिक है। जिस तरीके से आपका ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपने कैसा सोचा, जितने टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं करा रहा हूँ हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितना मैं करा दूं उससे एक भी क्वेश्चन हटके नहीं आएगा। बस ये शर्त है कि आप तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने, बहुत सारी प्रैक्टिस करने, जैसे करते आए तो इसमें क्या होगा कि अब इसमें पहले तरीके नहीं लग रहे, अब फिर दूसरा तरीका लगाएंगे कि इसमें अब क्या किया गया होगा कि यहाँ 14 आया होगा। अभी तक मैं अब इसमें बोल दूं कि दूसरा तरीका हम लोग क्या करते थे कि 45 को 32 से माइनस कर देते हैं, ये अपना दूसरा तरीका था। तो 45 माइनस 32 कितना आएगा? 13 आएगा। 13 कितना आएगा? 13, जो कि इसके बराबर नहीं लग रहा है। यानी ये भी तरीका नहीं, इसमें हमें अपने को पूरे में चेक नहीं करना है कि इसमें भी चेक हो सकता है 13 नहीं 17 आ जाए, कुछ नहीं, इसमें नहीं आ रहा मतलब ये फॉलो होगा ही नहीं। फिर और दूसरा तरीका, अब इसमें अपने को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि इसमें घटाया नहीं गया, डिवाइड नहीं किया गया, मल्टीप्लाई नहीं किया गया, तो किया क्या गया इसके साथ? चलिए बताते हैं क्या किया गया। क्या किया गया इसके साथ? अगर मैं बोलूं कि 4+5 करें, +3 करें, +2 करें, यानी ये जो 45@32 दिया गया था इसको क्या करो, इंडिविजुअली एड कर दो, कितना आएगा? 14 आ रहा है। 14 आ रहा है। अगर सेम जैसे यहां किया, अगर ऐसे यहां भी हो जाए तो काम हो जाए अपना। 7+6+2+2 कितना होगा? 17। मैं बोल रहा हूं कि जब इसमें यही रूल फॉलो हो रहा है तो इसमें भी हो रहा है, तो इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा? 5+5+1+0 कितना आएगा? 11। समझ गया कैसे किया गया? इसमें जब अपने को इसमें घटाया नहीं, जोड़ा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया तो किया क्या गया इसके साथ? इंडिविजुअली सबको ऐड किया गया। यही अपने को देखना, यही है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, वहां क्वेश्चन को देख के एक सेकंड में मालूम चल जाए कि इसमें किया क्या गया होगा। जैसा कि जितने टाइप का क्वेश्चन हो रहा है उतने टाइप से आपको दिमाग लगाना है। जब उसी तरीके जैसे इसमें लगाया गया, इसमें क्या आ रहा है? 5, इसको इंडिविजुअली ऐड किया गया, 5+5+1+0, इसको ऐड किया आ रहा है 11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया अपने, 3 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, दिया है, बोला है कि कंसल्टेंट इंसुलेट इंसर्ट सल्टर। इसमें बोला है कि इसमें अपने को ऑड वर्ड बताना है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको अपन मीनिंग के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मीनिंग से हिसाब से भी होते हैं। अगर मीनिंग से अगर बाय द वे अगर मेरे को मीनिंग नहीं मालूम है तो मैं कैसे करूंगा, अगर मीनिंग नहीं भी मालूम है तो भी ये क्वेश्चन बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा, जैसा मैं भी करके बता रहा हूँ। क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन में? दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, बोला है कंसल्टेंट इंसुलेट सल्टर। अब अगर मैं बोलूँ कंसल्टेंट, अब इसकी स्पेलिंग लिखिए,
कंसल्टेंट हो गया। ऑप्शन बी क्या दिया है? इंसुलेट। बी ऑप्शन क्या है? इंसुलेट। इंसल्ट। इंसल्ट। सी ऑप्शन क्या है? इंसुलेट। इंसल्ट। इंसुलेट। इंसल्ट। सी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? सल्ट्री। सल्ट्री। जैसा मैं पिछला क्वेश्चन, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन नया लग रहा हो तो पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने उसमें इसी टाइप के ऑड वर्ड निकालने के तरीके बताए। जब मुझे तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसमें क्या देखते हैं अपन कि इसमें ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है। जैसे पिछला अपन करा, अगर मैं बात बोलूं कि इसमें SULT दिख रहा है, दिख रहा है इसमें SULT दिख रहा है, दिख रहा है इसमें SULT दिख रहा है, इसमें क्या है कॉमन, क्या है SULT, सीरियल वाइज दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है SULT, इसमें भी दिख रहा है, इसमें अगर मैं बोलूं कि क्या है इसमें SUTA, सॉरी ये L है, इंसुलेट, क्या है SUL, क्या दिख रहा है SULA। अगर मैं बोलूं कि इसमें ऑड वर्ड कैसे पहचानेंगे, ऑड वर्ड क्या है इसमें SULT दिख रहा है, इसमें SULT दिख रहा है, इसमें SULT दिख रहा है, इसमें क्या है SULA है, यानी ये सबसे अलग है। तो अगर मैं बोलूं कि जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वही अपना क्या हो गया, ऑड वर्ड। जैसे कि ऑप्शन नंबर क्या है, इंसुलेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी करके बता दे रहे। क्या दिया इसमें, ऑप्शन दे दिया है 666 676 558 144। बोला कि इसमें अपने को ऑड वर्ड चाहिए, ठीक है देख लेते हैं। ऑड नंबर चाहिए 666 676, सी दिया है अपना 558, डी क्या दिया मेरा 144। बोला कि इसमें मुझे ऑड नंबर चाहिए। अब इसमें बोलू ऑड नंबर पहचानने के लिए अपन को क्या है, कैसे पहचानेंगे जो सबसे हटके हो, कैसे पहचानेंगे, चलिए तरीका बताते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने सिक्स, बी ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें कितने सिक्स है, डबल ट्रिपल, जो रिपीटेड है कितने टाइम, थ्री टाइम्स रिपीटेड है। इसमें सिक्स कितने टाइम रिपीटेड है, टू टाइम्स। इसमें फाइव कितने टाइम रिपीटेड है, टू टाइम्स। इसमें फोर कितने टाइम रिपीटेड है, टू टाइम्स। मैं अगर बोलूं ऑड वर्ड तो इसमें जो कोई नंबर हो, फाइव हो, फोर हो, सिक्स हो, टू हो, वन हो, कोई सा भी नंबर हो, कितने टाइम रिपीटेड है, टू टाइम्स रिपीटेड है। लेकिन ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो भी नंबर है मेरा, जो भी नंबर कितने बार रिपीटेड है, थ्री टाइम। तो अगर मैं बोलूं सबसे हटके कौन है, ए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बोल देंगे। यानी इसमें अगर मैं बोलूं ऑड नंबर कौन सा हुआ, तो 666, जो कि ऑप्शन नंबर है, क्या है ये मेरा ऑड नंबर है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, 17। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख रहे, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है 101, ऑप्शन दे दिया गया है, चार ऑप्शन दिया है 101, बी ऑप्शन दे दिया है 37, सी ऑप्शन दिया है 65 और डी ऑप्शन दिया है 225। बोला इसमें से मुझे इन चारों में से आप बता दो कि कौन सा ऑड है। अभी तक तो हम ऑड और इवन यही पढ़ते आए हैं कि जो टू से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो टू से डिवाइड ना हो वो ऑड। लेकिन यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने क्वेश्चन ये था, इसमें बोला था कि ऑड और इसमें मुझे क्या पहचानना है, ऑड नंबर पहचानना है। अगर मैं बोलूं कि इसको 101 लिखा है या 37 लिखा है या 65 लिखा है या 225 लिखा है, मैं बोलूं कि अगर इसको मैं बोलूं कि इसको अपन डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर दूं तो मैं कितना होगा 100 होगा। अगर मैं प्लस 1 कर दूं तो कितना हो जाएगा 101 101।
फिर अगर मैं बोलूं इसको 6 का स्क्वायर करो तो कितना होगा 36, फिर प्लस 1 कर दो कितना हो जाएगा 37. इसको मैं बोलूं 8 का स्क्वायर कर दूं 64, प्लस 1 कर दूं 65. फिर इसी तरीके से अगर मैं इसको 225 का, मैं जानता हूं कि ये क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 225. इसमें ऐसा कुछ किया गया क्या? इसमें मैं इन तीनों ऑप्शन में, इन तीनों क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इन तीनों ऑप्शन में इसमें क्या करते, ये भी होल स्क्वायर बन रहा था लेकिन एक ऐड करने पे जो ऑप्शन दे रहा था वो आ रहा था. इसी तरीके से 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37. इसी तरीके से 65 दिया था हमने, 8 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो 65 बना. इसी तरीके से मैंने 15 का स्क्वायर किया, ये पूरे का क्या बन रहा है, ये 25 बन, ये होल स्क्वायर बन रहा है. क्या बन रहा है? ये होल स्क्वायर बन रहा है. ये तीनों होल स्क्वायर नहीं बन रहे थे, इसीलिए अगर मैं बोलूं इसमें ऑड नंबर कौन सा होगा तो अपन बोल देंगे डी ऑप्शन. क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा